भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला बड़ा हाई वोल्टेज था, खूब सुर्खियां थी, लेकिन पाकिस्तान ने इस मुकाबले को शानदार अंदाज में जीता। आखिर वो कौन से कारण रहे कि भारतीय टीम को इतनी बड़ी हार मिली? तो देखिए भारत की हार के वो तीन बड़े कारण। नंबर एक, भारत के बड़े बड़े बल्लेबाज फ्लॉप। जिन बल्लेबाजों से टीम इंडिया को बड़ी आस थी, उन बल्लेबाजों ने सिर्फ लुटिया डुबोने का काम किया। पहला नाम है रोहित शर्मा, जो खाता भी नहीं खोल पाए, सिर्फ एक गेंद खेलने आए थे और बिना खाता खोले चले गए। उसके बाद लुटिया डुबोने का काम किया केएल राहुल ने, जो 8 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बना पाए। बाद में सूर्य कुमार यादव ने कुछ अच्छे शॉट्स तो लगाए, लेकिन 11 रन से आगे नहीं जा पाए। और अगर विराट और ऋषभ पंत को छोड़ दिया जाए तो कोई बल्लेबाज आज जीतने के लिए आया ही नहीं था। दूसरा बड़ा कारण, भारत ने पाकिस्तान के सामने 152 रनों का लक्ष्य रखा। टीम इंडिया से बड़ी आस थी कि गेंदबाज कुछ कमाल दिखाएंगे, लेकिन गेंदबाजों ने ना समझे क्या सोचा, एक भी धारदार गेंद दिखाई नहीं दी। और पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से टीम इंडिया के गेंदबाजों को खूब पीटा। वर्ल्ड कप में ऐसा पहली बार हुआ कि टीम इंडिया पाकिस्तान के हाथों हार गई। किसी ने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी बुरी हार होगी। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम से ही भारतीय गेंदबाज पार ना पा सके, और जब तक कुछ कर पाते तब तक टीम इंडिया हार चुकी थी। तीसरा बड़ा कारण, विराट कोहली का नहीं दिखा अनुभव, नहीं काम आए महेंद्र सिंह धोनी। टीम इंडिया के मेंटर के रूप में आए थे महेंद्र सिंह धोनी, लगा था कि विराट के साथ मिलकर कुछ अच्छी जुगलबंदी बनाएंगे, लेकिन ना उनकी जुगलबंदी चली और ना टीम इंडिया जीत पाई। विराट कोहली की कप्तानी ऐसी दिखी कि कुछ कर ही नहीं पाए, ना गेंदबाज बदल पाए और ना उनकी धार। जैसे तैसे टीम इंडिया बस ओवर डालती रही, गेंद डालती रही और पाकिस्तान पीटता चला गया। पहली बार टीम इंडिया को हार का स्वाद चखना पड़ा। आज हिंदुस्तान निराश जरूर होंगे, लेकिन पाकिस्तान ने आज अच्छी बल्लेबाजी की, खेल भी अच्छा खेला, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि टूर्नामेंट में आने वाले मुकाबलों में टीम इंडिया फिर से वापसी करेगी और फाइनल मैच में पाकिस्तान को शिकस्त देकर इस हार का बदला भी लेगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।